गया में डॉक्टर के सामने उसकी पत्नी और बेटी से गैंगरेप के मामले में पीड़िता की पहचान जाहिर करने पर राष्ट्रीय जनता दल नेताओं के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। इन नेताओं पर मगध मेडिकल थाना में पीड़िता से जबरदस्ती मिलने, फोटो खिंचवाने और पहचान उजागर करने के आरोप दर्ज किए गए हैं। ANMCH में मेडिकल जांच के लिए गई नाबालिग पीड़िता को राजद नेताओं ने पुलिस गाड़ी से जबरदस्ती नीचे उतारकर उसके साथ फोटो खिंचवाए और सभी के सामने ही पूरे घटनाक्रम को बयां करने के लिए मजबूर किया। इससे झल्लाकर पीड़िता ने अपने चेहरे से नकाब हटा दिया, जिससे उसकी व्यक्तिगत पहचान और गांव और अन्य जानकारियां सार्वजनिक हो गई। उसमें आप सभी लोगों को जानकारी है कि दो लोगों को गिरफ्तार किया गया था और उसके बाद जो है उसमें तीन अलग अलग टीमें काम कर रही हैं। एक टीम जो एडिशनल SP गया है उनके नेतृत्व में बनाई गई है, जिसमें SHO कोच है और SDPO टिकारी है, सर्किल इंस्पेक्टर है और SHO गुरारू है। ये लोग अनुसंधान पार्ट को देख रहे हैं, जिससे जो अनुसंधान में जो साक्ष्य एकत्रित किए जाने हैं उनको देख रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल के नेता राज्य में लड़कियों के साथ हो रही छेड़छाड़ की घटनाओं को लेकर नीतीश सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राज्य में लड़कियों पर अत्याचार बढ़ रहा है, लेकिन कानून कुछ नहीं कर रहा। पुलिस प्रशासन मुखदर्शक बना हुआ है, राज्य सरकार लड़कियों को सुरक्षा प्रदान करने में असफल रही है। सरकार का इकबाल खत्म होता जा रहा है। मीडिया के माध्यम से आंशिक रूप से लोग जान पाए और विभिन्न तरह से खबरों को दबाने की कोशिश की गई और जो घटना घटी उसमें जो पीड़ित परिवार है उनको बहुत शौक लगा हुआ है। बिहार की सरकार जो रोज दावा करती है कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर, मतलब 15 वर्षों के लॉ एंड ऑर्डर को अब्यूज करने वाले ये लोग, इनके हर रोज कोई ना कोई घटना घट रही है। घटना घट रही है, थाने में केस नहीं लिया जा रहा, लोगों को दौड़ाया जा रहा है और पीड़ित लोगों के साथ भी अत्याचार किया जा रहा है। गया जिला के सुंडिया की दुखद घटना हुई। प्रशासन ने 24 घंटे के अंदर उन अपराधियों को गिरफ्तार किया और उसकी संपुष्टि हुई, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल का लंपटीकरण, माननीय तेजस्वी यादव बताइए, आपके दल के विधायक हैं, पूर्व मंत्री हैं, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश का उल्लंघन कैसे किया? तेजस्वी यादव जुबान खोलिए और अपने दल के विधायक पर कार्रवाई करके दिखाइए। बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने राजद पर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं पर छाती पीटने से पहले राजद को लालू राबड़ी राज के 15 सालों का डरावना आपराधिक रिकॉर्ड देखना चाहिए। उन्होंने कहा कि अपराध का राजनीतिकरण करने वाले लोग बयानबाजी कर साधु बन रहे हैं। ये गया की घटना निंदनीय है, शर्मनाक है, लेकिन RJD के लोगों ने तो हद कर दिया। प्रशासन कार्रवाई कर रहा है, दो लोग पकड़े गए थे, सख्ती से कार्रवाई की जा रही है अपराधियों के खिलाफ, लेकिन RJD के लोगों ने जाकर के जिस प्रकार जीप में से उस महिला को, बच्ची को उतारा है जबरदस्ती और सार्वजनिक रूप से उसका बयान दिलवाने, उसकी पहचान उजागर करने का काम किया है, ये राजनीति की न्यूनतम प्रकाष्ठा है। जाहिर है कि बेटियों की असमत की लूट अब सियासत का मुद्दा बन गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN।